हेलो एवरीवन, टुडेज जीके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था हाल ही में चर्चित ओमोर्गस खानदेश क्या है। आपके विकल्प थे ए तितली की प्रजाति, बी बीटल की प्रजाति, सी बंदर की प्रजाति या फिर डी मगरमच्छ की प्रजाति। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी बीटल की प्रजाति। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में भारत में बीटल की एक नई प्रजाति ओमोर्गस खानदेश की खोज की गई है, इसलिए विकल्प बी सही है। ओमोर्गस खानदेश एक नेक्रोफेगस है, यानी कि जो सीधे मृत अवशेषों पर फीड करते हैं, इसलिए इसे कैरेटिन बीटल भी कहा जाता है। ये प्रजाति ट्रोगिडे परिवार से संबंधित है। इस नई प्रजाति के जुड़ने से भारत में इस परिवार की कुल 14 प्रजातियां हो गई हैं। आपको बता दें कि फॉरेंसिक साइंस के लिए बीटल महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये किसी जानवर या इंसान की मौत के समय का पता लगाने में मदद करते हैं। चलिए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर का एक हैकाथॉन कवच 2023 किससे जुड़ा है? साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अंतरिक्ष की खोज या फिर सीमा प्रबंधन। तो आंसर है ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा। भारत की साइबर सुरक्षा को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का एक हैकाथॉन कवच 2023 लॉन्च किया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य 21वीं सदी की साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधानों की पहचान करना है। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी BPRND द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र भी इस हैकाथॉन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चलिए अगला प्रश्न। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है मुंबई, सेराजेवो, ढाका या फिर कराची। तो जवाब है ऑप्शन बी सेराजेवो। IQ एयर के मुताबिक वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के मामले में मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। वहीं दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बोस्निया का सेराजेवो शहर है, इसलिए विकल्प बी सही है। जबकि तीसरे स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर शहर रहा। इसमें भारतीय शहरों में दिल्ली छठे स्थान पर है, जबकि कोलकाता 17वें स्थान पर है। आपको बता दें कि IQ एयर स्विट्जरलैंड स्थित एक वायु गुणवत्ता निगरानी तकनीक कंपनी है। ये नियमित रूप से वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली यानी सफर के सभी 9 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से डेटा प्राप्त करती है और अपनी वेबसाइट पर एक वैश्विक रैंकिंग तालिका बनाती है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चित LORA वेपन सिस्टम किस देश से संबंधित है? अमेरिका, रूस, इजराइल या फिर जापान। आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने LORA वेपन सिस्टम के घरेलू निर्माण और आपूर्ति के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। LORA LORA यानी लॉन्ग रेंज अटैक, सी टू ग्राउंड और ग्राउंड टू सी पर स्ट्राइक करने वाली एक प्रणाली है। इसमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्चर, कमांड और कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। आपको बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL भारत सरकार के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। ये भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी PSU है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में नीदरलैंड में हुआ REAIM शिखर सम्मेलन 2023 किससे संबंधित है? ए सेना में AI का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग, बी समुद्री प्रदूषण की रोकथाम, सी प्राकृतिक आपदा का शमन या फिर डी अक्षय ऊर्जा का निर्माण। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए सेना में AI का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग। हाल ही में नीदरलैंड ने REAIM समिट 2023 की मेजबानी की। ये शिखर सम्मेलन सैनिक क्षेत्र में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायित्व उपयोग पर आधारित था, इसलिए विकल्प ए सही है। सशस्त्र बलों में AI के उत्तरदायित्वपूर्ण विकास और उपयोग पर कार्रवाई के लिए 60 से अधिक देशों ने सहमति व्यक्त की है। आपको बताते चलें कि दक्षिण कोरिया ने घोषणा की कि वो अगले REAIM शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला सवाल। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में यक्षगान क्या है? लोक संगीत, लोक नृत्य, चित्रकारी या फिर साहित्य। आंसर है ऑप्शन बी लोक नृत्य। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार बलिपा नारायण भागवत के निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि यक्षगान एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कर्नाटक में लोकप्रिय है, इसलिए विकल्प भी सही है। ये नृत्य संगीत, गीत, विद्वत्तापूर्ण संवादों और रंग बिरंगे परिधानों का दुर्लभ संयोग है। इसमें सजे धजे कलाकार थिएटरों में ढोल की थाप पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 साल पुरानी मानी जाती है। इसमें संगीत की अपनी शैली होती है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली दोनों से अलग है। नेक्स्ट सवाल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसका आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। हालिया आंकड़ों के मुताबिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान 54.254 मिलियन टन यानी एमटी का सर्वकालिक उच्चतम रिकॉर्ड कार्गो ट्रैफिक संभाला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित देश का सबसे पहला प्रमुख बंदरगाह है, इसलिए विकल्प ए सही है। साथ ही भारत का एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह है। इस बंदरगाह की शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोटेक्स 2023 एनविजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल @ 2047 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? पुणे, मुंबई, बेंगलोर या फिर नई दिल्ली? आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। वस्त्र मंत्रालय 22 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में टेक्नोटेक्स 2023 एनविजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स @ 2047 का आयोजन करने जा रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा, रक्षा, औद्योगिक, कृषि, मोटर वाहन आदि के लिए तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देना है। टेक्नोटेक्स 2023 तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में भारत एवं विदेशी देशों के बीच व्यापार और निवेश की अपार संभावनाओं को दर्शाने में मदद करेगा। आपको बता दें कि इस टेक्नोटेक्स का पहला संस्करण 2011 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और 2. ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सूचना सेवा यानी IIS अधिकारियों के एक समूह के साथ बातचीत की। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, इसलिए कथन एक सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसे राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। साथ ही इस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। तो इस तरह इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अगला सवाल, डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर झारखंड? इसका आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के ओडिशा सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। NTCA ने अपनी 17वीं तकनीकी समिति की बैठक में 804.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी। डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये ओडिशा का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा, जबकि सिमलीपाल और सतकोसिया वर्तमान में राज्य के 2 अधिसूचित टाइगर रिजर्व हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA एक वैधानिक निकाय है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में कई टाइगर रिजर्व के प्रबंधन का काम सौंपा गया है। इसे टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद दिसंबर 2005 में स्थापित किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न, सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स यानी STRI किस संगठन से संबंधित है? ए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, बी विश्व व्यापार संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर डी विश्व आर्थिक मंच? इसका आंसर है ऑप्शन ए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने वर्ष 2022 के लिए सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स यानी STRI जारी किया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस सूचकांक में भारत 50 देशों में 47वें स्थान पर रहा। एक स्थान के सुधार के बावजूद भारत इस सूचकांक में निम्न 5 देशों में बना हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पिछले वर्षों में अपनी स्थिति में सुधार किया है। इस सूचकांक में 38 OECD सदस्य शामिल हैं। रूस के अलावा इंडोनेशिया और थाईलैंड ऐसे 2 देश हैं जो भारत की रैंक से नीचे हैं। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट करते हैं। ई संजीवनी किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय या फिर डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।